सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की नई अपडेटेड महिंद्रा थार का। तो आपने ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा क्लिप्स वगैरह इसकी देखी नहीं होंगी फिलहाल, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो अब मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल रही होंगी। फिलहाल मैं खड़ा हूँ DM महिंद्रा गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव पे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स मिल रहे होंगे, आप उनको बेझिझक कॉन्टैक्ट करिए। मेरी डिटेल्स डालेंगे, मेरा रेफरेंस देंगे, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स इनको किस डिलीवरी हो पाएगी वो आपके लिए बेझिझक ऑफर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपडेट्स की। हम मेनली अपडेट्स की ही बात करेंगे इस वीडियो में, बट मैं एक बार वॉक अराउंड आपको ज़रूर देना चाहूँगा, बिकॉज जो मेन अपडेट्स हैं वो यहाँ पे फ्रंट ओवरव्यू अगर आप देखेंगे वहीं से आपको उसकी झलक दिखने लग जाएगी। पहले आपको सेम हैलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं, कुछ बदलाव नहीं है, रिफ्लेक्टर है, इंडिकेटर और DRL आपको यहाँ पर मिलते हैं। बट अब यहाँ पर देखेंगे कुछ थोड़ा फीका फीका आपको लग रहा होगा लोअर बम्पर में, वो है कि अब ये सिंगल टोन बम्पर्स दे दिए गए हैं। पहले सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे क्लैडिंग टाइप मिलती थी, जिसके कारण एक अच्छा डुअल टोन बुच अपीयरेंस मिलता था, बट अब ये प्लेन ब्लैक में आपको मिलता है ऐसा कुछ, जो इसका वन फ्रेम व्यू है आपको दिखाई देगा। साइड प्रोफाइल पे आएंगे, यहाँ पर भी बदलाव है। अब यहाँ पर क्या बदलाव है कि पहले सीएट के ZAR टायर्स, ऑल टेरियन टायर्स यहाँ पे आपको मिलते थे। टायर साइज सेम रखा गया है, 255/65 R18 इंच के ये अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड सीएट की आपको ब्रांडिंग भी दिख रही होगी, बट फर्क ये है कि अब आपको क्रॉस ड्राइव 80 टायर्स मिलते हैं, ऑल टेरियन टायर्स ही, बट यहाँ पे ब्रांड चेंज कर दिया गया है। तो ये जो है आपको यहाँ पर सेकंड अपडेट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको स्टेप बोर्ड ज़रूर दिखाई देगा, तो उसकी पोजीशनिंग यहाँ पर करी गई है। एंड अभी फिलहाल गाड़ी इंक्लाइन पे खड़ी हुई है, ऐसा कुछ जो ओवरव्यू आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल में आज सच अब और कोई बदलाव नहीं है, पहला आपको बता चुका हूँ सिंगल टोन बम्पर्स, दूसरा आपको टायर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। एंड एक्सटीरियर में पीछे की ओर बढ़ेंगे, अगेन आपको सिंगल टोन बम्पर्स ही यहाँ पे दिखाई देंगे। पहले सिल्वर कलर की फिनिशिंग आती थी, वो अब हटा दी गई है। दो पार्किंग सेंसर्स आपको अभी भी यहाँ पे मिलते ही हैं, तो उनकी बेसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, LED बेस्ड कॉम्बिनेशन टेल लैम्प्स हैं, जिसमें इंडिकेटर हैलोजन बेस्ड है, बट ये जो आउटर बाउंड्री है आपको LED के साथ दी गई है। टायर एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, क्रॉस ड्राइव 80 सीएट के ही टायर्स हैं। एंड जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है वो है 255/65 R18। ये फुल साइज अलॉय व्हील आपको मिलता है पीछे भी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग ऑफ द महिंद्रा थार। बाकी इंटीग्रेटेड आपको डिफॉगर मिलता है, कोई भी वाइपर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बूट स्पेस वगैरह की डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ में देख चुके होंगे। हार्ड टॉप ऑटोमेटिक वर्जन में अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर इंजन ऑप्शंस की एक बार ही बात कर लें, तो दिस कार कम्स विद अ 2.2 लीटर MHOG डीजल इंजन, 4 सिलेंडर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है ऑब्वियसली, जो अराउंड 130 BHP की पावर एंड लगभग 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ऑटोमेटिक 6-speed टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको ऑप्शन दिया गया है। इनफैक्ट जो नई स्कॉर्पियो है एंड 7W है, उनमें भी आपको डीट्यून स्टेट में सेम ही इंजन ऑफर फिलहाल किया जा रहा है। इसके बाद आपको पेट्रोल मिलता है, 2 लीटर का एम स्टालियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो अराउंड 150 BHP की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क निकालता है मैनुअल में, एंड 320 Nm का टॉर्क निकालता है 6-speed टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। दरवाज़ा आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, कुछ बदलाव नहीं है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं है। एंड ऐसा कुछ जो पूरा ओवरव्यू है आपको दरवाजे का मिलने वाला है, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं है, बिकॉज ORVMs कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। एंड आपको CNC डोर्स रिमूवेबल मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इस दरवाजे पर नहीं इनकॉर्पोरेट करे गए। हाइट एडजस्टेबल सीट है, बट यहाँ पर अब आपको लंबार सपोर्ट नहीं मिलता एडजस्टेबल। तो लंबार सपोर्ट क्या होता है, बेसिकली आप अपने बैक रेस्ट की जो रिजिडिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक टॉगल मिलता था, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो अब आपको वो जो टॉगल है यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ इंटीरियर्स में महिंद्रा थार 2022 के अपडेटेड वेरिएंट में। अब यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, सारे आपको जो टेलीफोनी कंट्रोल्स है लेफ्ट साइड को मिल जाएंगे, राइट साइड को क्रूज कंट्रोल एक्सेट्रा दिखाई देगा। आपको MID रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं राइट हैंड साइड पे दिए गए हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स, आपको ABS, EBD, रोल ओवर मिटिगेशन एंड 2 एयरबैग्स आपको मिलते हैं एज सेफ्टी फीचर्स। अब यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। 7 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको एडवेंचर, स्टैटिस्टिक्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एक्सेट्रा सब मिल जाता है। 4 स्पीकर्स हैं, 2 दरवाजों पे, 2 रूफ पे एंड बीच में यहाँ पे 2 ट्विटर्स भी लगाए गए हैं। LED बेस्ड यहाँ पे रीडिंग लैंप आपको दिया गया है। अब जैसा मैं बता रहा था, लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट का फंक्शन यहाँ से हटा दिया गया है, एंड
जो चौथा अपडेट है वो है USB सॉकेट। कॉस्ट कटिंग करी है महिंद्रा ने जरूर, तो USB सॉकेट यहाँ से हटा दिया गया है। अब एक ही USB और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है आपको एज पावर सोर्सेज। एक USB और आती थी जिसको हटा दिया गया है, बट ऑक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी सारे टॉगल टाइप स्विचेस हैं ये हजार्ड लाइट्स के लिए, एंड आपको ये बटन्स नहीं मिलते, बेसिकली आपकी इंडिकेटर्स हैं, आपको एयरबैग्स वगैरह की जो डिटेल्स हैं, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको क्लाइमेट कंट्रोल मैन्युअली मिलता है, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये नहीं है। पावर विंडोज के सॉकेट्स यहाँ हैं, ट्विन कप होल्डर्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें मिलती है। ऑटोमेटिक है 6 स्पीड, तो आपको यहाँ पर जो गियर नॉब है ऐसा कुछ मिलता है, एंड आपको 4-व्हील ड्राइव के जो ऑप्शन हैं वो तो यहाँ पर दिखाई देने ही वाले हैं। ऑन फ्लाई शिफ्टिंग का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, बिकॉज मैकेनिकली कोई भी चेंज सिंस लॉन्च अब थार में नहीं किया गया। बस यही 4 अपडेट्स थे, एक बार सम अप कर देता हूँ। डुअल टोन बम्पर्स हटा दिए गए हैं, टायर का ब्रांड चेंज कर दिया गया है, लंबर सपोर्ट अब यहाँ से हटा दिया गया है, एंड ये USB का जो सॉकेट है उसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस छोटी सी कॉस्ट कटिंग के ऊपर जो महिंद्रा थार में करी गई है, एंड इस बजट में अब आप अपकमिंग स्कॉर्पियो प्रेफर करेंगे, महिंद्रा थार या 700 का कोई लोअर वेरियंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।